रखो वही रखो मोबाइल आप, जब रिंग होगा तब तो नाम रखो ना उसको नाम पे 11 बजे आवाज नगर विकास से रिलेटेड कोई केंद्र है, स्वास्थ्य संस्थान है, वहाँ हम सब जो बेहतर जांच की व्यवस्था हो सकती है लगातार हम सब कर रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि कोरोना संक्रमण के कारण हम सब वैक्सीनेशन पर केंद्रित किए और हम सबों ने बिहार के एक एक घर तक वैक्सीनेशन करने का जो अभियान चलाया है वो सफलतापूर्वक अंतिम पोदान में है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस कोरोना संकट धीरे धीरे हम सब उभर रहे हैं, लेकिन तीसरे वेव का दस्तक है तो, लेकिन फिर भी अब जनजीवन को एक नए सिरे से बिहार के विकास में लगना पड़ेगा। और आप देख ही रहे हैं कि 17 मेडिकल कॉलेज अब बिहार में स्थापित होने जा रहे हैं, 9 पहले से हैं और 3 अभी कार्यरत है, शेष निर्माणाधीन है। जो जांच है मंत्री जी वो कैसे होगा, मैं सरकारी अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था डीडी से ना है, डीडी से ना है, सरकारी अस्पतालों में इस तरह की, डीडी से तो डीडी के हिसाब से बात है, बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था हाजी हजार लोग वर्ग है विभाग से संबंधित। नहीं, हमको अभी जानकारी नहीं मिली है, मैं जानकारी लेते हैं। और जो ये पूर्व की घटना के साथ आज की घटना आज की घटना उसको हम लोग दिखवाते हैं और हम जो हमारा पुलिस प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई। आज पीड़ितों के लिए आर्थिक मुआवजा की मांग अजय निषाद भी किए हैं, होना चाहिए। नहीं, ठीक है, वो देखिए ये काफी संवेदनशील मुद्दा है और वास्तव में ऑपरेशन के दौरान जिन अपने मुजफ्फरपुर के जो अपने गरीब परिवार से जुड़े हुए जो मरीज थे उनकी आँख की रोशनी गई है, एक दुखद है। हम सब काफ़ी संवेदनशील हैं और आपने देखा होगा कि सबों का इलाज सरकार की ओर से IGIMS में हम सब करने जा रहे हैं। कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी वहाँ भ्रमण की है, कल मैं भी उन्हें देखने जाऊंगा। और बिहार सरकार की ओर से जो भी उनके इलाज के लिए निश्चित तौर पर मालूम है मुआवजा को लेकर कोई विचार कर रहा है सरकार, उसको हम सब देखेंगे। सभी ऐसे जितने हमारे प्रीत लोग हैं उनके प्रति सरकार की अपनी गंभीरता है और वास्तव में यह एक दुखद अध्याय है। और हम सबों ने निर्देश भी दिया है कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो भी कैंप हों तो पूरी उसको बेहतर ढंग से उन सारी चीज़ों को जांच कर तब उस ढंग के शिविर प्रारंभ किए बिना परमिशन के।